तो चले जी, यहाँ पे हम आज आए थे लाइव। हम लाइव तो रोज़ आते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो क्यों नहीं देख रहे? पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं पता नहीं, आप बिज़ी हो या क्या है? रमज़ान है, ईद आ रही है, कुछ लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, कुछ लोग वैसे ही रोज़ा रख के सो जाते हैं। हमारी तरफ तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी वीडियो लाजमी पूरी वॉच किया करें। रमज़ान का महीना है, इसके सदक़े से हमारी पूरी वीडियो वॉच किया करें और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। पूरे हमारे 1K होने वाले हैं और जल्दी से कर दें ताकि हमारा टाइम भी जल्दी से पूरा हो जाए। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, तकरीबन 1700 हुआ है, वो भी कम हो रहा है। 1800 होने की बजाय नीचे 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 आ रहा, हो सकता है हमारा कल 1600 पे चला जाए। लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ऊपर भी जा सकता है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि जल्दी से हमें सपोर्ट करें। ये वाली वीडियो मैं सबसे स्टार्ट में लगाऊंगी, हालांकि ये मैं लास्ट पे बना रही हूँ। स्टार्ट पे इसलिए लगाऊंगी क्योंकि आपको मेरा मैसेज मिल सके, आप लोग ये हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पता हो कि ताकि हमारा क्या मुश्किल है हमें कि हमारा टाइम नीचे आ रहा है, क्योंकि पूरी वीडियो आप लोग नहीं देख रहे। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, जो देख रहा है उसका दिल से शुक्रिया, और जो नहीं देख रहे थोड़ी सी देखते हैं और बंद कर देते हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 कि पूरी देख लिया करें, थोड़ा सा टाइम वॉच हमारा बढ़ जाए, ताकि आप सबसे यही गुजारिश है। ठीक है जी, अब करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। यहाँ पे ये देख रहे हैं आज ओरेंज ओरेंज बन के ना मोबाइल में, पता नहीं क्या छोटी छोटी वीडियो आती हैं वो देख रहे हैं। और यहाँ मैंने जो बनाई थी ना गोभी गोश, ये लीज़ा वो बना रही है अपने लिए, रोटी बेल रही है इसके ऊपर, और मैंने भी अपनी पकाई है एक, आधी मैं खाऊंगी आधी इसके पापा खाएंगे। तो यहाँ पे मैं सालन गरम कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक कम था मैंने नमक डाला। ये मैसेज करती हूँ, तुम रोटी सेक लो, चलो मैं रोटी सेक के आपको मिलती हूँ। चलो जी, यहाँ इधर रखो मेज़ पर, वहाँ हाँ मैं डाल दूँ, यहाँ रोटी मेज़ पर तैयार होगी, पीछे हो ना, तुम रोटी डालो अपनी, मैं डाल लेती हूँ सालन, छोड़ दो। चलो मैं सालन डाल लूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये वाली हमारी है, मेरी और अलीज़ा के पापा की, ये अलीज़ा की है, इसको भी छोटी सी रोटी दिया मैंने, बाकी ना शहरी में खाएंगे। ये ले वसीम साहब, सीधे हो जाए खाते हैं। ये अब हम रात का खाना खा रहे हैं, कितने बजे, 8 बज गए हैं। ये अब हम आपको मिलेंगे शहरी में, ठीक है जी। और खा के बताओ लीजा गोभी कैसी बनी है मुझे, आप खा के बताओ ना। ये बड़ी जल्दी रिजल्ट इनको मिल जाता है। अच्छी बनी है, मैंने भी खा के देखी है। जब तू पकाएगी ना फिर ऐसे करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे से। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे ही ऐसे करेंगे। चलो खाओ। हेलो गाइस, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? टैंडी का क्या हो गया, लीजा यहाँ पे सो रही है और ये देखते बाहर मैडम क्या कर रही है। हाँ जी हो गया रेडी, हाँ जी हो गया रेडी, हम अपना नाश्ता बना रहे हैं। तू नाश्ते जो बड़े है करो, तुसी शहरी मुंह ते चढ़े है, रात को 2:30 बजे कौन नाश्ता करन उठदा भाभी, असि तेरा दर रखन उठे, तू रहो कर पिए नाश्ता कर, फैशन नाश्ता करन उठे दा दे ढाई तीन हाँ जी वसीम साहब, खा लिया है सारी? चलो जी सही है। यहाँ पे भी मेरी शहजादी बैठी हुई है, ये खा रही है अभी,
ਸੈਰੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ, 4:00 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਲਦੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਰੀ, ਹਮ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੈਰੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਰਾਂਠਾ ਔਰ ਗੋਭੀ ਜੋ ਹਮੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਔਰ ਚਿਕਨ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚਾਏ ਨਹੀਂ ਹਮ ਪੀਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਬ ਚਾਏ ਪੀਣੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਚਾਏ ਪੀਏ ਬਗੈਰ ਸੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਮ ਚਾਏ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਏ ਪੀਤੇ ਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਸ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਂਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਅਗਰ ਸੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਤੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਬਾਤ? ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਰਹਤਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਔਰ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਵੋ ਖਾ ਲਿਆ ਥਾ ਸਭ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਉਸੀ ਟਾਈਮ। ਚਲੇ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਬ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਹਮ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੇਖੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਤੋ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਾ ਵਕਤ ਦੇਖੇ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਔਰ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲੇ ਆਪ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਗਾੜੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲੀਏ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਯੇ ਲੋਗ, ਜੁਮਾ ਹੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਸਮਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹਾਂ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੀਜ਼ਾ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਛੋੜਨ ਜਾਏਂਗੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਕੋ ਵੀ ਔਰ ਅਲੀ ਕੋ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਤਾ ਮੇਰਾ ਦਾਣਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਗੁਆਚਿਆ, ਬਾਬੇ ਕਾ ਦਾਣਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਲੂਡੋ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਭੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਤਾ ਕਿ ਚਮ ਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਭੀ ਇਹ ਚਮ ਕਾ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾ, ਚਮ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮ ਕਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਖ ਜੀ ਬਾਬਾ 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 ਨਾ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਾਬੇ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕਾ ਲਾਫਾ ਪੜਾ ਮੁਝੇ, ਅਬ ਯੇ ਬਾਬਾ ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੇ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਾ ਕਾਮ, ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਗਾਇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅਬ ਹਮ ਆਪ ਮੈਂ ਲਗਾ ਹੂੰ ਗਾੜੀ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
जो मैं साफ कर रहा हूँ, तो उन्होंने जाना है कहीं बाहर मीटिंग पे। ये गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है आल्टो। ये कभी कभी हम भी चलाते हैं, तो जब देखते हैं साहब का मूड अच्छा तो फिर हम गाड़ी चलाते हैं। तो हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। ये लॉन है यहाँ का, एक कॉल आ गई थी तो मैंने काट दिया। ये गाड़ी है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें। तो हम आपसे बाद में मिलेंगे। टी यू टमोरो। उसके बाद टमाटो केचप और आलू प्याज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आपके दुआ से हम भी ठीक हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। तो आज का प्यारा सा दिन स्टार्ट हो गया है हमारा जुमा पढ़ने के बाद से। तो मैं आई हूँ अभी जुमा पढ़ के। पहले हम सो गए थे, हमारी सुबह लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर काफ़ी लेट हम सोए। तो उसके बाद फिर हम उठे, तो उठ के फिर मैंने अभी पहले सबसे पहले मैंने जुमा पढ़ा है। लेट उठे हैं 12:30 बजे, तो अभी उठ के फिर जुमे का टाइम हो गया, मैं क्या जुमा पढ़ लूँ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर, माल काफ़ी सारा आया हुआ है वो बनाने के लिए। तो आपको भी बाहर लेके चलती हूँ, आप भी साथ जुड़े रहें हमारे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्यारे प्यारे से, और आगे पीछे जो चीज़ें आती है उसको इग्नोर करें। और मैं जा रही हूँ बाहर माल बनाने के लिए, तो काफ़ी सारा आया हुआ है। मैंने कहा तब आसमा बुला रही थी, मैं कहा वो उसने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर बैठ के माल बनाते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं आज कौन सा डिज़ाइन आया है। ठीक है, आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिए हैं कटर, अब मैं जा रही हूँ बाहर। लाइट बंद करती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। तो चलें जी, मैं अभी चलती हूँ बाहर। आज सुबह ना हमारी लाइट ने बड़ा तंग किया है, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सोना था हमने, 7 बजे बच्चे जाते हैं ना, तो सोए नहीं। कोई 8-9 बजे लाइट आई है, सारी रात नहीं मैं सोई, तो सुबह सोई। ये देखें इधर ये डिज़ाइन आया हुआ है, इसमें डबल डिज़ाइन है, तो धागा भी काफ़ी है। इधर भी यही है, डबल डिज़ाइन है और धागा काफ़ी है और टाइम लगने वाला है। तो अभी बनाते हैं माल, आसमा को देते हैं आवाज़। इधर अम्मी भी बैठी थोड़ा बहुत बना रही है। आसमा आ जा, की कर रही हैं? वो बैठी हुई है आसमा अपने रूम में। तो अच्छा, अम्मी भी थोड़ा बहुत हेल्प कराती रहती है, माल बनाती रहती है हमारे साथ, और हमें सौदे भी ला के देती हैं, और हमारे साथ माल भी बनाती हैं और नमाज भी पढ़ती हैं और साथ साथ ड्रामा भी देखती हैं, सारे काम करती हैं साथ साथ। चलो मैं कहा जो माल बना लिए, आगे करते हैं अपनी कुर्सी और स्टार्ट करते हैं माल बनाना। फिर उसके बाद, क्योंकि आज हमारा खाना तो पका हुआ है कि डिग्गी सी ना यदि। चलो सही है। ये देखें जी, आज आ गया है माल, रोज़ आता है, बस हम आपको दिखाते ही नहीं हैं। ये देखें अब चले करते हैं स्टार्ट, तो फिर आपसे मिलते हैं। इधर इसके हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, पढ़ के आए हो? हाँ, इधर भी हो गया जुमा, ये भी जुमा पढ़ के रास्ते में जो मस्जिद आती है ना वहाँ पे पढ़ के आते हैं घर। हाँ चलो सही है, चले जी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज आज कर रहे हो सारे लग गए हैं हमारी, और ये है संदल, ये स्ट्रॉबेरी, और ये मैं चावल गर्म करवा के खेली के घर से, क्योंकि हमारी गैस नहीं आ रही। मामा मेरे पीछे आ गई थी। अच्छा, और उनका ओवन है ना, बस हम भी ले लेंगे जल्द ही ओवन। तो ये उन्होंने फिर मुझे इफ्तारी दे दी,
खुल गया रोजा खुल गया रोजा हाँ चलो जी ठीक है अब हम आपको रोजा खोलने के बाद मिलते हैं।